गुड मॉर्निंग एवरी वन, गुड मॉर्निंग। हम पोर्ट ब्लेयर से कर रहे हैं और आज है हमारे ट्रिप का डे 7 और लास्ट डे जो पोर्ट ब्लेयर में है। कल हमारी फ्लाइट है, सो वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स दिल्ली टुमारो। सो आज हम निकल रहे हैं म्यूजियम्स देखने। आज वैसे पहले हमारा प्लान था कि हम चिड़िया टापू जाएंगे, लेकिन क्योंकि अंडमान के अंदर अगले 2 दिन के अंदर तूफान आने वाला है तो मौसम थोड़ा चेंज हो गया है और आज हमें चिड़िया टापू पे सनसेट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सूरज निकला ही नहीं है। तो हमने प्लान के अंदर थोड़ा सा बदलाव किया और हम जा रहे हैं अभी म्यूजियम्स देखने और शाम को मोस्ट प्रोबेबली हम मार्केट और मदीना पार्क एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये लड़का जा रहा है आज म्यूजियम्स देखने। 50 रुपये का टिकट है, बच्चे के लिए 25 का। 4 टिकट्स कर दीजिएगा एडल्ट। कितना? 200। अभी हमने 4 टिकट्स ले लिए हैं समुद्री का म्यूजियम के लिए। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं म्यूजियम कैसा है। यहाँ पे छोटा फिश एक्वेरियम है, कोरल्स के बारे में आप अच्छी तरह से यहाँ घूम सकते हैं। बेल के फर में है, डिटेल्स हैं। ज्यादा कोरल्स के बारे में डिटेल्स ज्यादा मिलेगा, ट्राइबल्स और कोरल्स के बारे में ना। आपका ये पूरा जितने तरह के कोरल्स नेचुरली होते हैं वो सारे कोरल्स इसके अंदर है। ब्लू कोरल जैसे सबको पता नहीं होता कि ब्लू कोरल्स होते हैं, पर इसके अंदर है ब्लू कोरल। 2 पीसेस है और वाइट कोरल, रेड, पीच, आपको सब दिखेगा इसके अंदर। दिस इज निकोबारी हट और मैं और पापा खड़े हुए हैं निकोबारी हट में और मैं भी जाऊँ। सो दिस इज निकोबारी हट जो यहाँ पे निकोबार आइलैंड वाले बनाते हैं। ये पूरा बैम्बू का बना हुआ है और बैम्बू का क्यों बना हुआ है पायल? क्योंकि बैम्बू होती है सबसे मजबूत। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम पे। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज जो मुझे दिख रही है और दैट इज कि यहाँ पे एक अलग से बेबी फीडिंग रूम बनाया हुआ है जो कि मोस्टली जगह नहीं होता है, टूरिस्ट प्लेसेस पे तो नहीं ही होता है। तो यहाँ पर ये अच्छी चीज दिख रही है मुझे। अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो समुद्री का म्यूजियम जरूर आइए, यहाँ पे एंजॉय करिए छोटे बेबी के साथ, बड़े बेबी के साथ, सारे बेबीज के साथ। ये बेबी फीडिंग रूम है, आप यहाँ पे जा सकते हैं और अपने बेबी को फीड करा सकते हैं। समुद्री का म्यूजियम में एंट्री करते ही आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखने लगेंगी जो इन्होंने यहाँ पे प्लेस करी हुई हैं जो अंडमान को डिस्क्राइब करती है, अंडमान एंड निकोबार को। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्राइब्स की वो दिखेंगे, स्टैचूज दिखेंगे और यहाँ पे बोट बनाई हुई है क्योंकि बोट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन आइलैंड। यहाँ पे एरोज और ये पकड़े हुए हैं ट्राइब्स जो यहाँ के होते हैं, तो ट्राइब्स देखने को नहीं मिलते असली में, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज लगे हुए हैं। थोड़े से रिजर्व होते हैं यहाँ के ट्राइब्स जो होते हैं, वो मतलब ज़्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं है, तो वो वाले आइलैंड्स जहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं वो बंद हैं। अंडमान एंड निकोबार के जो फेमस आइलैंड्स हैं उनकी यहाँ पर फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, जैसे आपका रॉस एंड स्मिथ हो गया, ये रॉस आइलैंड का है, फिर ये राधानगर बीच जो हैवलॉक पर है, देन बैरन आइलैंड, देन माउंट हैरियट जो पास में ही है, जॉली बॉय भी पास में है, वाइपर आइलैंड भी पास में है। आप यहीं पे इनके कल्चर को, इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। एक जो यहाँ पे जरावा ट्राइब है उसके लिए आप 12 टांग जा सकते हैं। वो लोग मतलब वहाँ पे आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन सी द एक्चुअल ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार। और वो ही एक ऐसा ट्राइब है जो गवर्नमेंट अलाउ भी करती है, वहाँ पे एक जीप जाती है, आप जीप में बैठ के जा सकते हैं। डैट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 hours टू रीच देयर। और वहाँ पे आपको सिर्फ गाड़ी रुकती नहीं है बीच में, आपको सिर्फ जंगल के अंदर से पास करते हैं, वहीं पे आपको कुछ ट्राइब्स दिख जाते हैं। तो अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके ट्राइब्स को भी क्लोजली देख सकते हैं। ये पोर्ट ब्लेयर की फेमस साइट्स बताई हुई हैं जिसमें आपका वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो हम ऑलरेडी जा चुके हैं, जहाँ से हमने रॉस आइलैंड के लिए फेरी पकड़ी थी, देन आपका चैथम आइलैंड, देन आपका अबरडीन बाज़ार जो पास में ही है, वो आज हम शाम को शायद कवर करेंगे। ये वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो होती ही है यहाँ पे, सेलर जेल हम कवर कर चुके हैं, मरीना पार्क भी हम आज शाम को मोस्ट प्रोबेबली जाएंगे और रॉस एंड स्मिथ आइलैंड हम ऑलरेडी जा चुके हैं, तो इसमें से भी काफ़ी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं और कुछ चीज़ें और कवर करने वाले हैं। देन ये मरीन लाइफ बताई हुई है आपकी, फोटोग्राफ्स के थ्रू आपको बताई गई है कैसी होती है। तो इसमें मेन जो आप एक्साइटेड रहते हैं देखने के लिए वो था आपका टर्टल नेस्टिंग, देन कोरल, जो ये वाला चार्ट सामने दिया हुआ है इसमें आपको बताया हुआ है कि यहाँ की जो नेटिव्स हैं वो कौन कौन है,
फर्स्ट आता है आपकी जरावास, देन आते हैं आपके ग्रेट एंडमेनीज, देन आते हैं ओंग, देन आता है निकोबारी, देन सेंटिनीज, देन शॉम्पेंस। जो निकोबारीज और जो शॉम्पेंस हैं बेसिकली वो मंगोलियन ट्राइब से मिलते जुलते हैं, और जो बाकी की ट्राइब्स हैं वो अफ्रीकन ट्राइब से मिलते जुलते हैं। यहाँ पे जो जरावाज हैं और ओंग्स हैं, ग्रेट एंडमेनीज हैं या सेंटिनेलीज बोल लो, ये चारों ही जो ट्राइब्स हैं, हमें सुनने में ऐसा लगता है जैसे अंडमान और निकोबार बहुत बड़े आइलैंड्स हैं और इनके जो नेटिव्स हैं वो बहुत सारे होंगे, लेकिन ये जो चारों ट्राइब्स हैं इनके नेटिव्स की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, हंड्रेड्स में है इनकी पॉपुलेशन। और जो निकोबारी हैं और जो शॉम्पेन है वो आपकी पॉपुलेशन का 98% बनाते हैं बेसिकली, जो नेटिव्स की पॉपुलेशन है। अगर ऐसा कहें तो अंडमानीज जो हैं ट्राइब्स बेसिकली जो अंडमान आइलैंड्स पर पाई जाती हैं, उनको प्रिजर्व करने की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन निकोबारीज, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन तो बहुत है। आइए अब हम आ गए हैं फिश देखने। अब हम अमय को दिखाएंगे फिश। ये है आपका सी लेवल, वाटर लेवल। वाटर लेवल के ऊपर पेड़, पक्षी, जानवर, लेकिन इसके नीचे क्या है? फिश। यहाँ पर जब हम 5 साल पहले आए थे तो हमें बहुत अच्छा लगा था, और ये वाली जो फिशेस थी यहाँ पे, और बहुत सारे कोरल्स भी हैं जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, इसको बोलते हैं एटलांटिक टापॉन। अब नेक्स्ट फिश आ गई पायल, कौन सी वाली? लायन फिश। लायन फिशेस इनका ये दोनों हैं, वो एक सामने और ये स्टोन फिश, ये बिल्कुल पत्थर जैसी लग रही है। स्टोन फिश तो पता, ये रही, ये रही। ओह माय गॉड, लिटरली ये बिल्कुल पत्थर लग रही है। आई रियली थॉट कि ये एक फिश है और ये एक फिश है, लेकिन ये बिल्कुल इतनी कैमोफ्लेज होकर बैठी हुई है, दिख नहीं रही है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरे को, मैं पहली बारी में तो पहचान भी नहीं पाई थी, मुझे लगा कि यार ये तो पत्थर है, कोरल है। ओह माय गॉड, भयानक यार, ये डरावनी। ये बॉक्स फिश है, ये देखिए, ये बॉक्स फिश है। उस दिन जो हमने पकड़ी थी ना फिश, वो बिल्कुल बॉक्स फिश टाइप थी। ओके, ये होगी कैट फिश। अमें कैट फिश कैसे करती है? मियाओ। गोल्ड फिश। गोल्ड फिश। वाओ। ये वाली काफी सुंदर लग रही है। रेसेस मरीन। ये देखो पापा, ये वाली कितनी अच्छी है। कितने सही सही कलर आए हैं। और बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। और ये सब क्या खाते हैं? स्नेल्स और श्रिम्प्स और यही सब खाते हैं। ये देखो ये कितनी सुंदर है। देन आ जाते हैं सी अर्चिन्स। अरे ये हमने देखा था स्नॉर्कलिंग में। हाथ लगा के देखो। जब मामा और पापा दोनों के दोनों समुद्र के नीचे गए थे, स्नॉर्कलिंग की थी, तो ये वाला हमें दिखा था। और इसको क्या बोलते हैं? सी अर्चिन। ये 5 सी अर्चिन्स हैं यहाँ पे, और ये बहुत पॉइजनस होते हैं, उसने हमें बोला था। अब पता नहीं बेटा ये पॉइजनस होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन उसने तो हमें बताया था कि पॉइजनस होते हैं। Right. ये देखो, ये स्टार फिश है। ब्लैक मून गोल्ड फिश। वाओ, इतनी सारी हमें। ये बहुत सारी फिशेस हैं, बहुत सारी फिशेस। वो देखो, वो सबसे बड़ी है। कक वो देखो कितनी बड़ी फिश है। ओए, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये देखो इसकी आंख कैसे हिल रही है, मुंह भी कितना अजीब सा है, और इसके हमारे वाले दांत भी दिख रहे हैं। ये टीथ भी हैं, टीथ भी हैं इसके, छोटे 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 छोटे। ये देखो ऊपर आइज। ये है ग्रुपर, और ये एक ऐसी फिश है जो ग्रुपर है। ये एक ऐसी फिश है जो 50 साल तक जिंदा रहती है लगभग, और एक ग्रुप में रहती हैं। जनरली मछलियाँ अलग अलग भी हो जाती हैं, बट ये ग्रुप में ही रहती हैं और सर्वाइव भी करती हैं। एक मेल होता है, जैसे लॉयन का ग्रुप होता है, उसी तरीके से इनका भी एक ग्रुप होता है जिसमें एक मेल होता है, बाकी सारी फीमेल फिशेज होती हैं। 3 से 15 तक हो सकती हैं फीमेल फिशेज। तो फर्स्ट सेक्शन हमने देखा जिसमें आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड की ट्राइब्स के बारे में बताया हुआ था। सेकंड हमने देखा जहां पर आपको यहां की मरीन लाइफ के बारे में बताया हुआ था। थर्ड हम चलते हैं, और सरप्राइज है हमारे लिए कि वो हमें क्या दिखाया जाएगा। जब हम स्नॉर्कलिंग करने गए थे तो हमने बहुत सारे कोरल्स देखे थे। अब वो जो कोरल्स हैं हमें ऐसे याद तो रहते नहीं हैं, बट दिस रूम विल रिफ्रेश आवर मेमोरी अबाउट कोरल्स। लेट्स गो टू कोरल रूम। अब ये जितने भी बेसिक कोरल्स लगे हुए हैं, ये ऑलमोस्ट सारे थे वहाँ पे जो हमने देखे थे। उसमें सबसे बड़ा वाला था ब्रेन कोरल,
और एक था कॉलीफ्लावर और एक था फिंगर। तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि वो मुझे यहाँ पर दिखते हैं तो कैसे दिखते हैं। ये तो मतलब ये वाला हमने देखा था, याद है? बहुत बड़ा। ये तो बहुत छोटा वाला लगा हुआ है यहाँ पे। इसका नाम क्या है? ब्रेन कोरल। समुद्र के अंदर जो आपको कोरल्स दिखते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनके अंदर क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है, उनके कलर्स बहुत डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे जो प्लेस्ड हैं लगभग वाइट कलर के ही हैं ऑलमोस्ट। तो ये तो एक्चुअली आर्टिफिशियल भी होंगे, बनाए हुए हो सकता है। तो यहाँ पर जो देखने को मिल रहे हैं कुछ सिमिलर हैं, लेकिन समुद्र के अंदर एक अलग ही आपको वैरायटी दिखेगी। अब एक जो ये वाला मुझे याद आ रहा है, देखो फिंगर कोरल जो है, जिसमें इस तरह की फिंगर्स निकली होती हैं, फिंगर कोरल, कॉलीफ्लावर, ये सारे तो बिल्कुल वैसे ही थे। तुम्हारी स्नॉर्कलिंग की कोई तीन हाइलाइट्स बताओ कि तुम्हारी स्नॉर्कलिंग की तीन हाइलाइट्स क्या थी? स्नॉर्कलिंग की हाइलाइट मेरी ये थी कि एक तो मैंने पर्ल जहाँ पे बनता है वो देखा, वो टच करते हैं वो ओपन हो जाता है फिर बंद होता है। एक मैजिक कोरल्स काफ़ी अच्छा था, मैजिक कोरल्स आप टच करते हो पूरा पूरा गायब हो जाता है एकदम से। आप टच करते हो मतलब उसने ज़रा सा पैर टच किया और सारे के सारे गायब हो गए। और फिशेस बहुत अच्छी अच्छी थी, काफ़ी बड़ी बड़ी फिशेस घूम रही थी, फिश फीडिंग मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। मैं यही बोलने वाला था कि मेरी जो हाईलाइट है सबसे ज़्यादा, मतलब जो मुझे अच्छा लगा स्नॉर्कलिंग के अंदर, वो ये था कि वो हमारे लिए एक छोटा सा वो लेकर आया फीडिंग के लिए नारियल, और जैसे ही हमने वो नारियल आगे रखा और सारी फिशेज़ आ गई हमारे पास। और दूसरा कि भाई मैंने ब्रेन कोरल, इतना बड़ा जो ब्रेन कोरल देखा तो बहुत अच्छा लगा यार। इतने नीचे जाके भी लाइव कोरल्स होते हैं, और बेसिकली समुद्र के नीचे जब फिशेस और ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो उन्हीं का ही एक तरीके से हैबिटेट को हम कोरल कहते हैं। डिस्प्ले इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है। यस, और जब हम गए थे उसमें स्नॉर्कलिंग के लिए तो हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन अब हमें नाम याद नहीं है। हाँ। सारी एक जैसी दिखाई दे रही थी, कलरफुल भी थी बहुत सारी चीज़ें। हाँ। तो एक कोरल रीफ जिसको हम बोलते हैं, वो लगभग 3,000 फिशेस या ऑर्गेनिजम्स या कुछ भी बोल लो उनको अपने अंदर समाये हुए होता है। तो अगर एक कोरल के अंदर 3,000 से ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर सकती है, रह सकती है, परफेक्ट हारमोनी में जी सकती है, तो हम इंसान क्यों नहीं जी सकते? हमारे पास तो दिमाग भी है। लगभग 20 तरीके के कोरल्स यहाँ पे डिस्प्लेड हैं और मोस्ट ऑफ दी वैरायटी इन्होंने कवर करने की कोशिश करी है। तो अगर आप स्नॉर्कलिंग करने से डरते हैं, वैसे तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डरते हैं और समुद्र के नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो डू विजिट दिस म्यूजियम, इट इज़ अ गुड वन। समुद्री का म्यूजियम यहाँ पर बहुत सारे सेगमेंट बना रखे हैं अलग अलग, दैट इज़ अ गुड थिंग। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। सो नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है, दैट इज़ द फोर्थ वन, शेल रूम। लेट्स गो। And this is my favorite. Because मुझे shells बहुत पसंद है और यहाँ पे इतना सही सही colors होते हैं shells के कि दिल खुश हो जाता है। अगर आप यहाँ से ही देखना शुरू करोगे तो beautiful colors, एकदम आपके जो colors या फिर formations निकल के आते हैं, that is incredible. अगर आप समुद्र को उसके रॉ फॉर्म में देखना चाहते हैं, यानी कि रेत जहाँ तक है वहाँ तक भी आपकी एक्वेटिक लाइफ आपका पीछा ना छोड़े, तो वो आइलैंड है नील आइलैंड। नील आइलैंड पर जहाँ तक घास आ जाती है ना, वहाँ तक भी मैंने देखा है स्नेल्स आपके रेत में से निकल निकल के चलते रहते हैं। इतना बढ़िया और ब्यूटीफुल लगता है ना, मज़ा आ जाता है उसको देख के। जितना हमारी नाक का साइज़ होता है लगभग, उतने बड़े बड़े शेल्स तो वहाँ पे ऐसे ही नॉर्मली चलते रहते हैं। थोड़ा सा अगर आप समुद्र के अंदर जाएंगे ना, पानी जब लो टाइड में पानी नीचे उतरता है, तो मैंने देखा इतने कलरफुल क्रैब्स थे वहाँ पे। जब आप उन क्रैब्स को देखते हो, कलरफुल क्रैब्स को देखते हो, तो मज़ा आता है। लेकिन ये आप सिर्फ और सिर्फ लो टाइड में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जब पानी थोड़ा सा नीचे चला जाता है और एक्वेटिक लाइफ थोड़ा सा ऊपर आती है, उसे सांस लेने का मौका मिलता है। This is so big, so huge. ये कम से कम 3 शंख को मिला के एक शंख है। नैन कॉडी शंख, सी पर्ल, स्कॉर्पियो शेल्स। अब जो लास्ट सेगमेंट हमारा बचता है वो है एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। तो चलते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल रूम में और देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारे लिए स्टोर में। वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल।
जरावा श्रॉम्पेन सब दिखाए हुए हैं यहाँ पे ट्राइब्स जो हैं। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली आपका लाइफस्टाइल ही होता है कि आपके जो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो नए लोग हैं, जो सोसाइटी है वो कैसे डेवलप हुई है और कैसे वो रह रही है, तो वही इस सेगमेंट के अंदर आपको बताया गया है। जो मेरे राइट साइड है यहाँ पर आपको जरावा ट्राइब्स और जो अंडमानीज ट्राइब्स हैं उनके बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में बताया हुआ है, और जो मेरा लेफ्ट साइड है यहाँ पर निकोबारी ट्राइब्स के बारे में बताया हुआ है, किस तरीके से वो फिशिंग, हंटिंग और गैदरिंग, बेसिकली आपकी जो तीन एक्टिविटीज़ होती हैं ट्राइब्स की जो यहाँ पे जंगलों में या आइलैंड्स पर रहती हैं, ये तीनों एक्टिविटीज़ यहाँ पर शो की गई हैं। और एक आपका होता है लास्ट एक तरह से वेडिंग, तो यहाँ पे कपल्स की भी फ़ोटोज़ लगाई हुई है, एक फैमिली की भी फ़ोटो लगाई हुई है कि फैमिली कैसे दिखती है अंडमान की और फैमिली कैसी दिखती है निकोबार की। यहाँ पर सिर्फ दीवारों पर नहीं, मेरे चारों तरफ आप देखेंगे तो चारों तरफ भी है, और यहाँ छत पर भी बताया हुआ है कि छत पर किसने मतलब एक तरह से इन्होंने डेकोरेशन कर रखी है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक बहुत ही स्टार्क कंट्रास्ट है यहाँ की लाइफ का कि जो अंडमान है वहाँ पर आपकी ब्लैक पॉपुलेशन है और जो निकोबार है वहाँ पर आपकी ब्राउन पॉपुलेशन है। कुछ आइलैंड्स बहुत ही पास पास ही हैं लेकिन उनके जो नेटिव्स हैं उनके रेस में बहुत डिफरेंस है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट भी है लाइफ का। जनरली आप इंडिया में या वर्ल्ड के किसी भी कोने में देखेंगे तो इस तरीके से जो इंटर रेशियल मिक्सचर है वो आपको बहुत कम मिलेगा एक ही जगह पर। अंडमान में 46 अलग अलग प्रकार के सांप पाए जाते हैं, इनमें से 13 प्रजातियां सिर्फ यही अंडमान में ही मिलती हैं। तो अभी हमने समुद्र का म्यूजियम कंप्लीट कर लिया है। समुद्र का म्यूजियम में कम से कम 5-6 सेक्शंस हैं जो आप विजिट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मरीन लाइफ अगर आपने नहीं देखी है नीचे जाके समुद्र के अंदर, तो आप इस समुद्र का म्यूजियम में वो सब देख सकते हैं। समुद्र का म्यूजियम काफ़ी अच्छा बना हुआ है, 50 रुपीज़ आपका एंट्री टिकट है, तो उसके हिसाब से भी वर्थ इट लगा। और यहाँ पर पहुँचने की एक्सेसिबिलिटी जो है वो ईजिली ऑटो या टैक्सी से आप पहुँच सकते हैं। हमारे गेस्ट हाउस से तो ये वॉकिंग डिस्टेंस पे था। अगर आपने अंडमान टील हाउस देखा है तो उसके बिल्कुल सामने ही ये है, और यहाँ पर जब आप विज़िट करेंगे तो लगभग 1-2 घंटा आपको इसको देखने में लगेगा तसल्ली से। अगर आप कुछ बाय करना चाहते हैं तो आपकी एक शॉप है, वहाँ से आप कुछ बाय भी कर सकते हैं, शंख वगैरह आप जो भी लेना चाहते हैं। एज अ होल समुद्र का म्यूजियम वॉज अ गुड म्यूजियम राइट नाउ इन पोर्ट ब्लेयर। ये लड़का जब हम घूमते हैं तब तो सोता है, पर जब हम घर पहुंच जाते हैं, जब हमें रेस्ट करना होता है तब ये जग जाता है। इसने मुझे इतना दौड़ा दिया इस कमरे में, इसी वाले में। फिर अपने आप खुद थक गया। अब तो आपको भी नींद आ रही होगी। ठीक है, फिर मैं भी थक गया, फिर मैं भी बैठ गया और डॉक्यूमेंट्री देखी। तो बने रहिए द ट्रेंडिंग 2 के साथ, और हमें सब्सक्राइब करने के साथ साथ इंस्टा और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो कीजिए।